अंदर आके ले ले भाई भाई दोनों का साथ में कर सकते साथ में नीचे से मत दिखा अरे हाँ अभी बराबर है तुम नीचे एकदम नीचे ही थे ना तुमने देख लिया अरे विधान भाई चलिए सुबह से शाम थैंक यू बॉर्डर बॉर्डर Firstly, guys, congratulations. The kind of response your song has got, it's very good. Tell us something, what kind of response did you got personally? I'm getting a lot of videos actually, people crying and getting attached to the song, a lot of screenshots, even our hashtag Shiptik. I was thinking वो पता क्या होगा कि प्रापरा बट लोगों ने Shiptik बनाया तो लोग गाने को प्यार दे रहे हैं अच्छा लग रहा है मतलब ट्रेंड्स कैसे बदल गए यार हैशटैग्स बनते बने बिना काम ही नहीं होता बिल्कुल हैशटैग बन जाते हैं एंड या एक्चुअली पीपल आर सेंडिंग मी इमोशनल मैसेजेस वीडियोस एंड ऑल दैट यू नो कि इट्स सच एन इमोशनल सॉन्ग भाई कितना इमोशनल है ओ शिट व्हाट एन एंडिंग ये क्या स्टोरी है भाई ये वो मुझे लग रहा है यार क्रेजी है यार मतलब क्या इतना इमोशनल हो गए लोग यार लोग लड़ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं ये देखो ये कितना ये हम कितने खुश बैठे हैं देखो यार कमाल है यार मतलब मेरी गिल्ली उड़ा दी तुमने मैं क्या कह रहा हूँ हाँ तो जब सेट पे भी थे हम तो एक वो ऑन कैमरा जब एक्शन होते ही वो केमिस्ट्री नेचुरली आ जाती है यू नो बिकॉज हमें पता है कि हमें क्या किरदार निभाना है और उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो हमें कि यू नो ऑकवर्डनेस बिल्कुल नहीं होती तो वो एक अच्छी चीज़ है कि हमारे बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री थी शुरू से ये वो एक वाइब होती है इफ पीपल फील इट इट इज देयर नहीं तो बहुत सारी पिक्चर्स कह लो या प्रोजेक्ट्स इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि आपके कोस्टार की पेयरिंग ठीक नहीं होती right. तो वो बहुत जरूरी है एक एंड व्हाट डू वांट टू से पुलिस एनकाउंटर अ न्यू लुक कंप्लीटली डिफरेंट लुक भाई बहुत मजा आया मेरे दिमाग में सिर्फ सलमान भाई चल रहे थे जब वो पुलिस वाले बनते हैं दबंग में तो मेरे को लग रहा था कि यार आई एम गेटिंग मेरे को थोड़ा वैसा फील हो रहा था अपने अंदर ऑब्वियसली अब वो तो भाई सलमान भाई है बट नेक्स्ट लेवल मजा आ गया यार क्या फील आई व्हेन आई वाज सीइंग द सॉन्ग देयर वाज वन सीन कि आप झूठ मूठ का एक्टिंग कर रहे थे देन ही केम टू यू टेल अस द स्टोरी बिहाइंड दैट सीन बेसिकली इट्स अ ट्रू स्टोरी जो जो गाने का मेन क्लाइमेक्स है वो एक असली कहानी है थाईलैंड की तो हमें कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं चाहिए थी इस वीडियो के लिए एंड देन वी वर सर्चिंग एंड सर्चिंग तो फिर ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी तो उसको हमने अपने हिसाब से सिनेमैटिकली डेवलप किया है सीन्स बनाए हैं बट जो बेसिक कहानी है वो असली है एंड आई थिंक कि सब लोगों ने प्यार तो बहुत दिया यार मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि भाई तुम्हें बहुत रोना है और तुम्हें बहुत इमोशनल होना है इस गाने में क्योंकि जिससे तुम्हारी यू नो वेडिंग या शादी वादी हो रही होती है वो शी पासेस अवे एंड ऑल दैट बट मुझे पता नहीं था कि मैं पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ या क्या प्ले कर रहा हूँ पहले यू नो व्हेन आई फर्स्ट गॉट द ब्रीफिंग तो इवेंचुअली मैंने गॉट टू नो जब स्टोरी मेरे लिए एस्टैब्लिश होनी लगी जब मेरे को बताया गया और तो मैं और एक्साइटेड होते गया क्योंकि यार परफॉर्मेंस मैंने जैसे बोला आई लव टू परफॉर्म आई एम परफॉर्मर मेरे को जिसकी मर्जी परफॉर्मेंस दो मैं चैलेंज जितना अच्छा बड़ा होगा उतना मेरे को मजा आता है यार सो या टॉकिंग अबाउट फ्यू मंथ्स द थिंग्स हैज कंप्लीटली चेंज्ड विद यू एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड द काइंड ऑफ लव यू आर रिसीविंग इट इट्स वेरी हाई टेल अस समथिंग अबाउट इट मैं क्या बोलूं भाई मतलब मेरे तो हाथ जुड़े हैं सबके आगे क्योंकि यार इतनी बड़ी बात इतना प्यार जो मुझे दे रहे हैं सब लोग एंड इट्स अ बिग थिंग यार इट्स अ बिग 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 थिंग कुछ कर्म होंगे मेरी माँ मेरी बहन और मेरे परिवार के मेरे कुछ अच्छे जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है एंड कुछ प्रेयर्स जो हैं वो जरूर काम आ रही है थैंक यू सो मच व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक्ड अबाउट प्रतीक ही हैड नो टैंट्रम्स या नो टैंट्रम्स एंड एनी बीटीएस मोमेंट व्हिच यू वुड लव टू बताओ यार बीटीएस मोमेंट क्या बताऊं मतलब मैं सभी BTS में हमने वीडियो निकाल ली पूरी यार मस्ती करते करते बात ये है तो इट वाज ऑल लाइक फन एंड गेम्स एंड वी शॉट द एंटायर वीडियो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इमोशनल मोमेंट्स एंड जैसे ये जब ये कॉफिन में भी लेटी हुई थी लास्ट सीन में तो अरे बार बार ढक्कन बंद करते थे और मेरा सांस घुटता था मैं खोलो मुझे खोलो ये कट पे भी एक्चुअली सांस नहीं ले रही थी जब कट होने के बाद तो मैंने बोला आप सांस ले लो कट हो गया है तो ये ऐसी प्रैक्टिस में घुस गई थी कि सांस ले ही नहीं रही थी मैंने बोला कट हो गया सांस ले लो एक्चुअली इसमें हम दोनों ने बहुत सारी चीजें पहली बार किया ऑन स्क्रीन न्यू
And what do you want to say about the channel? It's a fresh channel and the views are getting high. मेरी ट्यून पे आप लोगों ने ये गाना देखा है, कुणाल वर्मा ने गाना लिखा है एंड आर स्वामी जी ने वीडियो किया है, मधु शर्मा और मैंने गाया है, प्रतीक की फीचरिंग है। तो यार आई थिंक लेबल मैटर करता है बट कंटेंट में तो होना चाहिए, कंटेंट में तो होना चाहिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो कैन वी सी यू वंस अगेन, हम क्या आपको फिर से देख पाएंगे? इंशाल्लाह जरूर। इस गाने को सुपर हिट करो, फिर हम अगला बनाते हैं पार्ट 2। 100% हां, पार्ट 2 में फिर भी वो रिवाइंड में जाएगा, मैं वहां से उठ जाऊंगी और फिर बस मेरी बात। यार मेरा पुनर्जन्म भी तो हो सकता है, हद है यार, वी लिव इन इंडिया, यहां पे कुछ भी हो सकता है। प्रदीप आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह का लगातार प्यार मिलते जा रहा है, कोई ऐसा बिग बैनर प्रोजेक्ट वुड यू लव टू शेयर, एनीथिंग लाइन अप? मैं बताऊं, प्यार दिए जाओ। नहीं, प्यार दिए जाओ, बस प्यार दिए जाओ और बाकी सब अच्छा चल रहा है, शुक्र है। आप लोगों को पता लगता रहेगा सब कुछ, आप लोग सबसे पहले पहुंचते हो, थैंक यू। लास्टली डोमिनोज के पिज्जा से पहले भी आप पहुंच जाते हो भाई, आधे घंटे से भी पहले। लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे गाने को लेके और फैंस को लेके? मैं पहले आप लोगों को सबको थैंक यू करना चाहूंगा, बिकॉज यू गाइज, आप लोग जो है हमारी बात को पहुंचाते हैं हमारे यू नो चाहने वालों तक। बिकॉज अगर ये कैमरा हमारे सामने ना हो और ये माइक ना हो और हम हमारे पास कहने के लिए, हमसे पूछने के लिए कोई सवाल ना हो यहाँ पे आपकी तरह, तो हमारी जो है बातें नहीं पहुँचे उन तक। एंड इसी के लिए पहले तो आप लोगों को शुक्रिया बहुत बहुत। टू ऑल द पीपल, ऑल द जर्नलिस्ट, ऑल द मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। एंड टू ऑल द पीपल हु लव्ड एंड सपोर्टेड अस, थैंक यू सो मच गाइस। बिल्कुल सेम, मेरी भी सेम फीलिंग है, क्योंकि ऑडियंस और मीडिया जिस भी चीज़ को चाहे बहुत बड़ा बना देती है प्यार दे के अपना। सो ज़रूर प्यार दीजिए, सुबह से शाम को प्यार दीजिए और हम लोगों को भी प्यार दीजिए। वहाँ पे आ रहे हैं। Song is hot, very good. And tell us something about the story behind it. Yeah, it's a ये थोड़ा सा फर्स्ट लव जैसा गाना है। जब मैं गाना बना रहा था मॉर्निंग में सुबह सुबह, जब कुछ धुन जब इसकी बनी थी, तो मेरे दिमाग में वही ख्याल था कि पहले एक टाइम था जब जो भी सिंगल आते थे वो सारे कॉलेज स्टूडेंट के लिए आते थे, जैसे लक्की अली साहब के जितने गाने हैं या आर्यंस बैंड था। मेरा भी कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे यंग लोगों के लिए कुछ बनाए, तो वैसे ही सुबह सुबह मेलेडी बने के लिए जो मैंने तेरा नाम हुई सुबह से शाम, एंड धीरे धीरे गाना फॉर्मेट हुआ। तो बाद में बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि ये एक पहले पहली मोहब्बत वाली फीलिंग से शुरू होता है, लाइफ टाइम कमिटमेंट पे जाके गाना ख़त्म हो जाता है। इट्स गुड कि हर एज ग्रुप के लिए गाना बना हुआ है और फाइनली जब बना तो इतना अच्छा बन के आया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द रिजल्ट ऑफ दिस सॉन्ग। ग्रेट। किस तरह का रिस्पॉन्स गाना तो काफी द व्यूज आर गेटिंग वेरी हाई, लॉट्स ऑफ व्यूज, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग पर्सनली? जितने भी मेरे मतलब फैंस हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, सबने मुझे बहुत बधाइयाँ दी हैं गाने को लेकर, और सबने बहुत अच्छा बोला है कि इट्स अ वेरी फ्रेश मेलोडी। और ये गाना तो आने से पहले भी जो मेरे जितने भी कंपोजर फ्रेंड्स हैं उन सब ने सुना हुआ है, सबका फेवरेट गाना है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है। देखिए प्रतीक को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ उनका फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके आने से गाने को चार चांद लग गए हैं। ऑलरेडी शिप्रा वहाँ है वीडियो में, मधुर ने इतना अच्छा गाया है इसको, अभिजीत ने म्यूज़िक किया मतलब अरेंजमेंट किया, तो एक सारा पैकेज मिला के इतना अच्छा बन के गाना आया। डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया आर स्वामी ने। तो जब एक चीज़ ऑल ओवर अच्छी एंटायरली 360 अच्छी बनती है ना, तो कॉन्फिडेंस हमारा ही बढ़ जाता है कि नहीं यार इस चीज़ को हम अच्छे से प्रमोट करें और अच्छे से इसको लेके जाएं आगे। प्रतीक का मुझे वो बहुत हार्ड वर्किंग है, आप वीडियो में भी देखोगे ना जिस कंडीशन में उसने शूट किया है, मैं वहाँ नहीं था बट स्टिल मैं टच में था फ़ोन कॉल्स पे। स्वामी जी मुझे बता रहे थे, शिप्रा मुझे बता रहे थे कि आज ऐसा शूट हुआ, ये किया वो किया, टफ कंडीशंस में किया है, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। इट्स अ बिग नंबर फॉर अ न्यू चैनल बिकॉज इट्स आवर सेकेंड सॉन्ग एंड जिस तरह से चल रहा है आई थिंक ये बहुत अच्छा करेगा गाना और लेट्स सी कहाँ तक जाता है। अभी तो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, रील्स बन रही हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि
एक एक ऐसा मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो, काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट हो इन बीटीएस गाने को? इस गाने मैं शूट पे था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि क्या उधर हुआ है, मैं इधर था मुंबई में। मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, बट इस साल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट ईयर भी सबसे ज़्यादा गाने मेरे रिलीज हुए थे, इस बार भी यही होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 20-25 गाने रिलीज हो चुके हैं और बहुत सारे गाने आने वाले। तो आने वाले समय में ये मई एंड में कोई ऐसा बिग बैनर प्रोजेक्ट? बहुत बड़े बैनर से गाने आ रहे हैं और मई एंड में ही आपको एक बहुत बड़ा गाना मिलने वाला है, आई गेस मई एंड में या जून स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि मतलब इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग 2-3 ऐसे आने वाले हैं जो अभी अपकमिंग 2-3 मंथ्स में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम।